दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। आज उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए दो चमत्कारिक अजूक उपाय लेकर आया हूं जो हनुमान जी से संदर्भ रखते हैं। दर्शकों, उपायों को बताने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई अन्य जानकारी अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उस जानकारी से आप अवगत हो जाए। दर्शकों, आप लाइक करें, कमेंट करें, आपका एक लाइक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम अपलोड करते रहे। दर्शकों, अगर हमारे बताए उपाय आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए दर्शकों, उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे आटे के दीपक के विषय में बात करने वाला हूं। यो तो आपने मिट्टी के दीपक का नाम सुना ही होगा, लोग मिट्टी का दीपक दिवाली में जलाते हैं और किसी भी कार्यक्रम में किसी भी नई पूजा में लोग मिट्टी के दीपक का प्रयोग करते हैं और अपने पूजा घर में या तो स्टील के दीपक का प्रयोग करते हैं या फिर कांसे पीतल के दीपक का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं आटे के दीपक की चमत्कार बताने जा रहा हूं। दर्शकों, पहला उपाय मैं बताने जा रहा हूं, अगर बहुत दिनों से आपकी कोई मनोकामना लंबित है, पूर्ण नहीं हो रही या आप जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसमें हानि हो जाती है और कार्य पूर्ण रह जाता है, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को आप आटे का दीपक लेकर उसमें कलावे की बत्ती डालें और शुद्ध देशी घी भर दें, उसके बाद हनुमान मंदिर उसे लेकर जाए। आप हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उतना पर्याप्त है, आप पूजा करें, जो भोग लगाते हैं नियमित वो आप लगाते रहें। उसके बाद यह आटे का दीपक प्रज्वलित कर हनुमान जी को दिखाएं और हनुमान जी से अपनी परेशानी बताएं या हनुमान जी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए निवेदन करें। दर्शकों, आप इस उपाय को लगातार कम से कम 11 मंगलवार तक करें, आप निश्चय माने आपकी जो भी लंबित मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद आप दंडवत प्रणाम कर मंदिर से बाहर आ जाएं। दर्शकों, दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं, अगर आपके ऊपर शनि देव की ढैया अथवा साढ़े साथी है तो आप यह उपाय आजमा सकते हैं। बहुत हद तक शनि देव की साढ़े साथी और ढैया के प्रभाव से आपको इस उपाय से मुक्ति मिलेगी। आप दर्शकों इसको जरूर आजमाना और जरूर करके देखना, आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अब इसके लिए भी आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को आटे के दीपक में शुद्ध देशी घी और कलावे की बत्ती लगाकर हनुमान मंदिर जाना है और आपको जो भी भोग हनुमान जी को लगाते हैं, जो पूजा करते हैं, उसके साथ ये आटे का दीपक प्रज्वलित कर हनुमान जी को दिखाकर वहीं रखते हैं और अपनी मनोकामना यानी शनि देव की ढैया से मुक्ति का निवेदन करें। शनि देव की साढ़े साथी से मुक्ति का निवेदन करते हुए आप हनुमान जी को साष्टांग दंडवत करें और बिना पीठ दिखाए मंदिर से बाहर आ जाए। यही क्रिया आप फिर अगले शनिवार को दोहराएं। इस तरह से 7 मंगलवार और 7 शनिवार आप यही क्रिया करते रहें। दर्शकों, निश्चय माने कि आपको शनि की ढैया और शनि की साढ़े साथी, इन दोनों में से जो भी हो उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके कारोबार में लाभ होने लग जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आप जो व्यापार में घाटा खा रहे हैं वहां मुनाफा कमाने लग जाएंगे। दर्शकों, इसे करके देखें, आप इन दोनों उपायों में से जो आपके लिए जरूरी हो उसे आजमा कर देखें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ।
जय जय बजरंगबली, जय जय श्री राम।